तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पे आ ही गए हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है और ख़ास करके किसान भाई लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं आपको एकदम फ्री है, फ्री है, फ्री फ्री एकदम घर पे बनाने वाला देसी जुगाड़, जिसको आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। कुछ सामान जो है ज़रूरत पड़ेगा जो कि आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा। किसान भाई लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये देखिए भिंडी का पौधा है, एक गलती की वजह से ये सारे पौधे जो है आवारा पशु लोग चर गए। रात को लाइट न होने के वजह से हमारा और एक देसी जुगाड़ था जिसको हम नहीं चला पाए, जिसके वजह से हमारे इस पौधे को जो है पशुओं ने एकदम पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो लेकिन अब हमें ये समझ में आया कि हमारा लाइट वाला जुगाड़ के साथ साथ कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जिसको हम इस्तेमाल लाइट न रहने के बावजूद भी कर सके। तो दोस्तों देखिए, ये जो जुगाड़ है एकदम बिना किसी लाइट, किसी बिजली का ज़रूरत इसको नहीं पड़ने वाला है, और हमारे किसान भाई लोग इस समस्या से इस समय बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस जुगाड़ को आप आसानी से अपने घर पे बना के अपने खेत में लगा सकते हैं, और इससे आपको 110% रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए किसान भाई लोग, आपको सामने सबके खेत में दिख रहा होगा कि यहाँ बांस बल्ली लगा, लेकिन हमारे खेत में नहीं लगा, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से हमको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब इसके बाद हमें ये नुकसान अब नहीं झेलना पड़ेगा। नमस्कार किसान भाई लोग, मैं हूं पवन कुमार मौर्य, आपका स्वागत है हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल। तो देखिए किसान भाई लोग, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा जो है ये जो देसी जुगाड़ है, एकदम आर्टिफिशियल और वर्चुअल मैन, मतलब कि कह सकते हैं आप एकदम रियल आदमी की तरह जो है दिखने वाला जो है पुतला। अब इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, कैसे बनाया है, ये तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन इसमें हमने क्या इस्तेमाल है ये सारी बातें अभी हम आपको देखिए। सबसे पहले हमने इसमें एक कांच का बॉटल इस्तेमाल किया है। अब इसका क्या इस्तेमाल है इसको अभी हम बताते हैं आपको। और देखिए इसमें हमने दो चार जो है नट का इस्तेमाल किया है लोहे का, और इसमें एक कागज़ का दफ्ती इस्तेमाल किया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पुतला 2-in-1 है। इसमें अगर हमारे पुतले में अगर बिजली या लाइन की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बाँस का डंडा जो है लगाया हुआ है, आप इसमें बांस का या किसी प्रकार का लकड़ी, मजबूत लकड़ी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक पुराना हमने जो है आदमी, मतलब हम लोगों का शर्ट है, इस शर्ट को इस्तेमाल करिए, और इस शर्ट के अंदर देखिए एक पाइप मतलब डंडी पड़ा हुआ है, इस डंडी को आप लगा दीजिए ताकि ऐसा लगे कि आदमी का हाथ खुला हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ पे हम जो बॉटल लगाए हैं, इस बॉटल से आप आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा कि इसमें जो साउंड निकल रहा है, इस साउंड का मतलब ये है कि जैसे रात में अगर आपके खेत में पशु या आवारा पशु या फिर नील गाय, जंगली सुअर आते हैं, तो इस साउंड की वजह से उनको ऐसा प्रतीत होगा कि या तो कोई यहाँ हम लोगों से बड़ा जानवर है जिसके गले में घंटी ऑलरेडी बंधा हुआ है, और उसके डर से भाग जाएंगे। और ये सामने देखिए, यही वो एरिया है जहाँ से हमारे खेत में जो है आवारा पशु, नील गाय, जंगली सुअर प्रवेश करते हैं। इसके वजह से हमने इसका मुंह जो देख रहे हैं आप, चेहरा देख रहे हैं, इस चेहरे को हम उसी की दिशा में रखे हुए हैं। और रात में दोस्तों इसका आँख, इसका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इससे ये प्रतीत होता है कोई आदमी खड़ा है। और इसमें बाकी हवा चलने पे ये जो आप देख रहे हैं बॉटल कांच का हमने लगाया हुआ है, इसमें ये जो दफ्ती घूम रहा है इसके वजह से वहाँ से साउंड निकलता है, और उस साउंड की वजह से जो और जानवर आते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है, लगता है कि हमारे पीछे से मतलब कोई बड़ा जानवर आ रहा है, क्योंकि जानवर जो पालतू जानवर होते हैं उनके गले में घंटी बांधा जाता है, तो उस साउंड को उन लोग सुनने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और देख सकते हैं आप इसका चेहरा इस तरीके से लग रहा है, बस जो जंगली जानवर या आवारा पशु जो भी आएगा उसी को देख ही रहा है। और इसको हमने मार्कर से एकदम अच्छे से बनाया हुआ है ताकि रात को अच्छे से एकदम बढ़िया से दिखे, ये अगर उजाला नहीं भी रहेगा तब भी जो है दिखे। बाकी किसान भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं ये आपको जो है से इस साउंड दिख रहा है। और बाकी ये देखिए हमारा लाइट हाउस, यही लाइट हाउस है। इसमें जो है हमारा एक दिन का लाइट ना रहने की वजह से ये एसी बोल्ट लेता है, इसके वजह से हमारा जो है नुकसान हुआ है, तो उसी के बाद हमने ये जुगाड़ बनाया है ताकि हमको अब आगे से कोई परेशानी न झेलना पड़े किसान भाई लोग।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसान भाई लोग, अगर आप लोग भी अगर ऑफलाइन जुगाड़ बनाना चाहते हैं तो ये जुगाड़ आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है। इसको हमने जब से लगाया है तब से लाइट रहे ना रहे फिर भी हमको इस सब समस्या से झेलना नहीं पड़ता है। तो किसान भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या इससे कोई जानकारी मिली तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और किसान भाई लोग, आप लोग इस जुगाड़ को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप लोग 100% आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हमारे और किसान भाई लोग को सहयोग मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।